champions. तूबा की अगर मैं बात करूं तो ये सबके सामने कहती है वकार जगह इज सो हॉट और जाके मेरे पीछे मैंने बोला होता तो रिकॉर्डिंग होती, पर ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। बोल रही हूँ अभी मैंने बोला है, बस ठीक है। हाँ छोड़ो, जायल किसको बोल रही हो? जायल किसको बोल रही हो? हमें लड़की पे लड़की की रिस्पेक्ट करते हो ना, तो हाथ नहीं उठाओ। क्या क्या बोला? क्या एक बंदी ने बोला है कि वकार जका इज अ बॉय, फिर वो बोल रही है कि यार वकार जका की कोई गर्लफ्रेंड है, मैं तो वकार जका को यूं सेट कर लूं। मतलब यार कट करो भाई, एक मिनट रुको, ड्रामा हो गया, शूटिंग खत्म हो गई। ड्रामा नहीं, शूटिंग ड्रामा नहीं करो। ये सिर्फ शो है, शो के बाहर भी दुनिया है, बाहर जाके भी मुंह दिखाना है तुम्हें तो नहीं दिखाना ना, तुम्हें बाहर जाके कुछ नहीं करना ना। चालें चल चल के या माइंड गेम्स खेलकर दो लड़के फाइनल में पहुंचे हुए हैं, और अब देखना यह है इन दोनों में से चैंपियन का टाइटल कौन जीतता है। अब यह नहीं होगी, सिर्फ मसला ये खाना कौन पकाएगा। हो सकता है मेरा मूड एक हफ्ते के बाद हो फाइनल कराने का, दो दिन के बाद हो या एक घंटे बाद हो जाए, तो अगर हुआ दो तीन दिन के बाद तो खाना खुद ही पकाना है। दो तीन दिन का खाना? हाँ, मुझे हल्का फुल्का आता है, एक अच्छा पका खा लेंगे। हम देखेंगे कि यूट्यूब चैनल पर किसके लिए लोग ज्यादा बोल रहे हैं। ठीक है, वो टॉप 16 में से जो भी बंदा है जिसके लिए ज्यादा वोट आए हैं, जो नजर आ रहा होगा, उसको बुला लिया जाएगा। तो उसके लिए हमें एक दिन तो रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, सही। यूं तो घर से जाते हुए बहुत बुरा लगता है, दर्द भी होता है, मगर मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। मैं जा रही हूँ। भाई तेरे को याद है हम उसको एक ही बंदा था जो कि होशियार था, वो यहाँ की बातें वहाँ करता था और दूसरों की बेइज्जती करके दूसरों को शार्ट कराता था। उसके बाद अपन दोनों ने कैसे मारी को शार्ट कराया। कैसे कराया? बड़ी अपने आप को खूबसूरत परी समझ दी थी। सुट्टे मारने, सुट्टे क्या चेक करने, खांसी आती नहीं आती, सुट्टे बच्ची को सुट्टे सीखने। राबेल भी अच्छी थी यार, लेकिन राबेल बहुत ज्यादा एब्यूसिव थी, तो नहीं नहीं वो जो उसके साथ करता था उसके साथ करती थी, लेकिन उसका इमेज बहुत अच्छा नहीं गया। नहीं नहीं गया होगा, देखना जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे। तू समझता है उसे, तेरे साथ रही है, मेरे साथ रही है, मैं समझता हूँ वो ऐसी बंदी नहीं थी। और ये अभिया कितनी घीट निकली यार। हाँ यार, सारे राज खोल दिए, फिर भी राज खोल के फिर इतनी बातें बोल के फिर लास्ट में बोल रही है मुझसे बात, अबे तूने कौन सा कम किया, बेहूदा बेहूदा बेहूदा। अबे हमें क्या, उसने बहुत को ही बोल दिया, मारिया के साथ सोएगा, मारिया को जितवा। बहुत गलत बातें की यार, बहुत गलत बातें की, बेहूदा बातें, खुद की इल्जाम हम पे लगा दिया। तो भाई फाइनली टॉप टू बिलाल क्यूटो और आमिर सियाल फ्रॉम लारकाना, हम बड़े खुश थे कि डायरेक्ट फाइनल में एंट्री मिल गई। हाँ मोटे, देखा हुआ उल्टी आ रही है। खाना कैसा, क्या बनाना है? अभी मैंने वकार को बोल दिया चाय पे गुजार करेंगे, चाय पे कितने दिन गुजार कर सकता है बंदा। अबे खाना मुझे आता ही नहीं बनाना। अबे नींद की गोलियां भी काम नहीं करती ना। तू खाता है नींद की गोलियां? इक्का दुक्का खाई थी क्या, घंटा काम किया था उसने, घंटा। अबे मोटे, अभिया को रोक लेता, अब खाना कौन बनाएगा यार? अभिया साइको थी यार। साइको तो थी, लेकिन खाना बनाने की तो बात है यार। यार खाना भाई कुछ कर लेंगे यार। किसी ने सोचा ना होगा कि ये दोनों फाइनल तक पहुंच जाएंगे। देखो यार ये अजीब सी बात है, हम दो बेवकूफ को फाइनल में पूछे हुए, सारे चालाक भनमबाज वो बाहर बैठ के देख रहे हैं। सही बात है, हैं? कोई बोलता है मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे बाप का ये है, 1.5 लाख का बेल्ट पहनता हूँ, 8 लाख की गली पहनती हूँ मैं, ये करती वो करती। बड़े बड़े भरमबाज देखे भाई इस घर में। अच्छी बात है, अभिया भी निकली, मारिया भी निकली, बहुत अच्छी बात, दोनों कट, अपन दोनों इन। मारिया की तो दिल से खुशी हुई, निकल गई है। किसके हाथों अंडा पसंद है तुझे? ये किसी के हाथ का भी मिल जाए। हाँ, मारिया के हाथ का, मारिया को नहीं, मारिया का हाथ खाया नहीं, स्पेगेटी खाया उसके हाथ का अच्छे, उसे कुछ आता ही नहीं है भाई। उसके बारे में एक अल्फाज नहीं सुनूंगा मैं। और राबेल, राबेल के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा मैं। हमने उसको बोल बोल के इतना फेमस कर दिया ना। हमने क्या, वो बंदी भी लायक है? बंदी लायक नहीं है, मार दूंगा तुझे उसके बारे में बोला तो, तेरी दोस्ती वोस्ती भूल जाऊंगा मैं।
अभी हम रिश्ते का जूस है, तेरे को दो गिलास दे चुका हूँ मैं। तू तो जूस नहीं पीता ना? पीता हूँ। अबे कड़वा कड़वा क्यों लग रहा है? सही है बे, ऐसे ही होता है जूस तो। अबे ये ऑमलेट और पराठा, पता नहीं तुझे नहीं लग रहा? हाँ हल्का लग रहा है, पता नहीं क्यों यार। फिर वकार भाई ने एक लोकेशन पे बुलाया और फिर ऐसा ट्विस्ट दिया कि भाई मैं तो बिल्कुल हैरान और परेशान ही हो गया कि ऐसा भी हो सकता है शो मिल गया। मैं चाह रहा था कि मुझे कोई दीवार मिल जाए और वहाँ पे मैं सर पटक पटक के खुद को मार ही दूँ यार। जी तो चैंपियंस, आप वो लोग हैं जिनके लिए YouTube पर काफी ज्यादा लोगों ने बोला कि इनको शो में होना चाहिए। मैं एलिमिनेट कर चुका हूं, लोगों के बोलने की वजह से आपको यहां बुलाया है। अब आप कितनी हद तक वापस आ सकते हैं ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो फाइनल तक पहुंचे हैं दो कंटेस्टेंट उनको बुलाते हैं जो अभी सही चैंपियन चल रहे हैं। बिलाल और आमिर के लिए तालियां होनी चाहिए। आमिर और बिलाल जो है वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। आमिर और बिलाल को निकाल नहीं सकते किसी भी बेस पे, ये नहीं हो सकता कि इसकी जगह कोई आएगा। तो आप लोग तो दो दिन से साथ अकेले? हाँ। तीन दिन हो गए थे। तीन दिनों से मजा आ रहा है सर? खुद बिरयानी पका रहे हैं, कच्ची रोटी खा रहे हैं सर। मैं एक बार अच्छे हालात चल रहे थे, आपने आ जाके फौरन आके एकदम से ट्विस्ट डाल दिया और लाइफ में और टेंशन आ गई अचानक से। खाना किस किसने पकाया? तीनों दिन के हाल अहवाल बताते जाओ। सर मैंने पकाया, मैंने ऑमलेट भी बनाया सुबह के में और रात को मैंने कढ़ाई एक दिन बनाई, दूसरे दिन बिरयानी बनाई और तीसरे दिन वो बनाया अपना दाल चावल भी बनाया। बिलाल ने क्या क्या किया? वॉश किए बर्तन सारे और घर की सफाई की, बाकी चाय वगैरह मुझे बना के दी। क्या क्या पकाना आ गया आपको? बिरयानी से सीख गया मैं। जी बिलाल मजा आया? सर तीन दिन तो सुकून में थे, आज का दिन काफी टेंशन था कि मैं सारे कंटेस्टेंट वापस आ गए। खैर एनीवे कुछ भी हो सकता है शो में, आपने तो पहले कहा था तो हम मेंटली तौर पे ये लग रहा था। वैसे आप बाकी लोग जो है आ सकते हैं वापस, लेकिन उससे पहले जितने भी कंटेस्टेंट खड़े हैं आप लोगों ने ये बताना है फाइनल फोर में कौन कौन था। मारिया और अभिया ये फाइनल फोर में थे। लास्ट एक चैलेंज मिला था जिसके अंदर ये कहा गया था कि आप में से जो भी एक दूसरे के ऐसे राज जो सच्चे हैं झूठ पे मबनी नहीं है वो बता देंगे और दूसरा वहां से शो छोड़ के चला जाए। आप जितने लोग खड़े हैं आप अपनी जिंदगी आसान कर सकते हैं, दूसरे को यहां से भगा सकते हैं। जैसे एक महफिल से होता है, आप दूसरे की कोई ऐसी बात बताएंगे कि दूसरा कह के मैं ये बात नहीं बेयर करूंगा, मैं शो छोड़ के जा रहा हूं। बर्दाश्त का मुकाबला है, जो बर्दाश्त कर जाएगा। और उसके साथ साथ इसका मतलब ये भी है कि शो में आपने वो वाली बातें बतानी थी जो आप नहीं चाहते बाहर जाएं, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। कौन बताना चाहेगा पहले और किसकी? राबेल। मैं मारिया और अभिया की करना चाहूंगी क्योंकि मारिया ने मुझे निकाला था और मैंने मारिया को बिच बोला था और बिच बोलने की रीजन ये थी जिस बेस पे उन्होंने मुझे निकाला कि ये आमिर को भाई बोल रही थी और उसके बाद आमिर को मैंने बोला कि जब एक बंदी तुम्हें भाई बोल रही है तो तुम भी इसको बहन बोल दो, यहाँ सब हम दोस्त हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है किसी को बहन भाई बोलना, क्योंकि ये चाह रही थी कि मैं स्क्रीन के आगे क्लियर रहूँ, ठीक है। तो मुझे बाद में बुरा लगा, इन्होंने मुझे निकाल दिया आमिर की वजह से। सिर्फ मैं इनको इज्जत दे रही थी कि भाई इन्होंने जब मैंने इनको बिच बोला मुझे बुरा लगा, लेकिन बाद में मुझे इस चीज़ का रिग्रेट नहीं हुआ। जो बंदी ये बोल रही है कि आमिर तुम्हें बुरा लग रहा है, वकार ज़का तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्या क्या, हाँ, क्या? जो बंदी ये बात करी, एक मिनट रुको, सब समझ आएगी। अपनी बात क्लियर, बात ये है कि एक बंदी ने बोला है कि वकार ज़का इज़ अ फ़ॉय, फिर वो बोल रही है कि यार वकार ज़का की कोई गर्लफ्रेंड है, मैं तो वकार ज़का को यूं सेट कर लूं। मतलब यार कट करो भाई, एक मिनट रुको, वेट, ड्रामा नहीं, शूटिंग ड्रामा नहीं करो। मैंने अपने ऑडिशन में भी क्या बोला था,
विदाउट एविडेंस मेरे बारे में जो इसकी कोई रिकॉर्डिंग होनी चाहिए होगी रिकॉर्डिंग मैंने खुद सुना है मैंने एक मिनट वेट मैंने ऑडिशन में भी क्या बोला था विदाउट एविडेंस कोई बात नहीं होगी फॉर श्योर रिकॉर्डिंग होगी ठीक है आमिर को इतना बुरा बोल रही है और आमिर को जब मैंने बोला तो आमिर को मेरे अगेंस्ट करिए मेरा दोस्त है भाई तुम्हारी तरह भाई बोल के ड्रामे भाइयों के सामने और बोल रही है अपना अच्छा ठीक है एक बंदी बोल रही है वकार जगह की कोई गर्लफ्रेंड है वो लड़कियों पैसे किससे खर्च करता है आप ये देखिए झूठ बोल रही हो मैंने सुना था ये तुमने बोला था हाँ। कहा कब सुना था मेरी तो तुमसे आज तक बात ही नहीं हुई मेरी तो मुझे आप ये बताएं कि जो ये जितने भी यहाँ पर खड़े हैं सबके सामने हम लोगों के पेरेंट्स ने हमें भेजा है यहाँ पर ठीक है हम लोगों के पेरेंट्स वो क्या बोलेंगे पीछे और ये आपको मैसेजेस कर रही है ये आपके साथ डायरेक्ट है मैं मीडिया में हूँ मैं आपसे तीन चार दफा मिली हूँ मैंने तो कभी आपको मैसेज नहीं किया मेरे पास तो आपका नंबर नहीं है तो आप इस तरह मतलब और ये जो दूसरी बात हुई थी कि इस्लामाबाद की लड़की आई थी वो वकार जका के साथ सेट होगी तो वकार उसको आगे लेके गया तो मतलब ये क्या हो रहा है मतलब और वकार जका लड़की को ही बनाएगा और तुमने सोचा कि तुम वकार जका को सेट कर लोगी ठीक है तो तुम आगे चली जाओ जस्ट बी ऑनेस्ट प्लीज बी ऑनेस्ट मुझे तुम क्या बोलती हो मैंने तुम्हें आके बोला कि तुमने मेरे बारे में गलत बातें क्यों की तुमने मुझे क्या बोला मारिया मैं तुम्हारे बारे में क्यों बोलूंगी वकार जका को तो मैं फंसाना चाहती हूँ मैंने कब बोला ये रिकॉर्ड होगा ठीक है ये रिकॉर्ड होगा आई एम 100% श्योर ये रिकॉर्ड होनी भी चाहिए होनी भी चाहिए और वो बातें भी होनी चाहिए जो तुमने बोली वकार जका को तो मैं फंसाऊंगी मेरे पास इतना टाइम नहीं है पर मुंह अब मैंने इनकी बात की तो ये मुंह पे झूठ मैं मुंह पे झूठ एक दूसरे की आप बात बताए आप रिकॉर्डिंग चेक कर लें रिकॉर्डिंग प्लीज चेक करें अच्छा हम रिकॉर्डिंग उन चीजों की चेक करेंगे जो जो आप बात और अगर ऐसी कोई बात नहीं निकली तो वो निकल जाएगा दूसरा कंटेस्टेंट हाँ तो फिर तो ये निकल गई और ये भी निकल गई जो मुंह पे झूठ बोल रही है हाँ, सारे निकल जाएंगे तुम बैठना है तुम वकार जका को लेके बैठना मैं झूठ बोलूंगी मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा अभी तो ऑडिशन में बोल रही थी मैंने एनाकोंडा मुंह में लिया मैं कुछ बोलू मैं अपना मुंह नहीं खोल रही हाँ तो लिया नहीं था अब कुछ और प्लीज तो स्ट्रेट तुम्हें कर दूंगी दो मिनट करके दिखाओ करके दिखाओ जो लड़की बोल रही है मैं वकार जका लड़कियों पे पैसे खर्च करते हैं वकार जका की कोई गर्लफ्रेंड है मैं तो यूं सेट कर लूं सामने बातें बना रही हो सामने बातें बना रही हो कोई प्रूफ नहीं है ना जिस चीज का उस चीज में बोला सबने सुना है प्रूफ है सबने किसने सुना है निकल आएगा अभी निकल आना चाहिए आप ये कह रही हैं कि इन्होंने ये वाली बात की है क्या बात बोली है स्पेसिफिकली बताएं इसने बोला था ये पूछ रही थी कि वकार जका की कोई गर्लफ्रेंड है और क्या कहते हैं वकार लड़कियों पैसे खर्च करते यहाँ पे तो सब है किसी से भी पूछ लो मैंने ऐसा बोला कि एक लड़की थी उसको वकार ने पूछ मैंने ऐसा बोला किसी से भी पूछ ले मेरे पास वकार का नंबर है जी मारिया यहाँ पे आप किसी से भी पूछ ले मैंने ऐसा नहीं बोला नहीं नहीं किसी से नहीं आप अपना बताएं मैंने ऐसा बोला नहीं और मैं ऐसा क्यों बोलूंगी मैं बेवकूफ हूँ मैं यहाँ पे गेम खेलने आई हूँ और गेम को गेम की तक ही रखना चाहिए पर्सनल चीजों पे नहीं आना चाहिए ये बहुत अजीब बातें कर रही है मुझे इन पे हंसी भी आ रही है तर्स भी आ रहा है रहम आ रहा है मुझे तुम मुझे आप पे मुझे सच में तुम पे रहम आ रहा है और इसका गेम का अगर मैं बात करूं तो ये सबके सामने कहती है वकार जका इज सो हॉट और जाके मेरे पीछे वो तो मैंने बोला बस ठीक है मैं मेरे पीछे झूठ क्यों बोल रही तुम बोलती हो भाई हम लोग तो मान रहे कब कहा रिकॉर्डिंग है मेरी तुमसे आज तक बात हुई है आज मेरी तुमसे बात हो रही है फर्स्ट टाइम झूठ मत बोलो ये वो भी बोल रही है सब बोल रहे हैं तुम लोग मिले हुए हाँ हाँ और तुम जहाँ मिलना चाह रही हो ना लोगों से बात करना नहीं चाहती मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी की मुझे लगता है कि तुम लोगों से बात करके मेरा स्टैंडर्ड गिरेगा आई एम सॉरी तुम लोगों से बात नहीं करना चाहती क्योंकि तुम लोग बकवास कर रहे हो बात करने के लिए बुलाया है यहाँ पर जब सच होता है तो वो बकवास ही लगती है सच है ना ये बात रिकॉर्डिंग का है ये दो बातों की रिकॉर्डिंग हो गई और किसके बारे में कहना चाहता है कौन हमाद ने बोला था कि वकार बॉय अभी तो तुमने कहा ये मैंने कहा है एक मिनट रुको उसने भी बोला था ये गुड वन राबी बहुत अच्छी जा रही है बात सुने मैं मोनोलॉग में कुछ बोल रही हूँ आप मुझे क्यों बार बार पूछ रहे हो Yes, I will say, क्योंकि इनके लिए ये सिर्फ शो है शो के बाहर भी दुनिया है बाहर जाके भी मुंह दिखाना है तुम्हें तो नहीं दिखाना ना तुम्हें बाहर जाके कुछ नहीं करना नहीं दिखाना ना अबे हौसला कर यार बात सुने आप मुझे एक बार बताएं वकार इधर बोला जा रहा है एक मिनट वेट रेहान एक मिनट वेट मैं आपको बताती हूँ रेहान एक करके रेहान बलाज और जिशान के माइंड में पता क्या बात डाली गई थी इसकी तरफ से
कि वकार जका जो है वो लड़कियों में इंटरेस्टेड है और किसी लड़की को ही आगे लेके आएगा, और अगर कोई लड़की आगे आती है तो उसके घर वाले क्या बोलेंगे कि वकार जका उसके साथ था इसलिए वो आगे जीती है। अभी कोई जीतना चाहेगा ये इन लोगों की, इस बंदे ने ये बात की है और वो लोग बाहर कोई जिंदगी है ही नहीं, निशान बलाज और रेहान क्यों छोड़ के गए, रेहान क्यों चुप करके गए, इस वजह से क्योंकि रेहान को लग रहा था बाहर जाके कुछ भी नहीं करना, रेहान को वेट बाहर जाके कुछ भी नहीं करना, रेहान को पता क्या लग रहा था, मैं एक मिनट वेट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, चल बाजी ठीक, तुमने बाहर जाके कुछ भी नहीं करना, तुम रेहान को लग रहा था कि वकार जका किसी लड़की को जितवाएगा, इससे बोला है बाहर जाके लोगों ये बात करने वाली है, वो बोल रहे की कोई लड़की नहीं, अच्छा एक मिनट अमाद बोले लड़की हाँ जितवाएगा वकार जका लड़कियों में इंटरेस्टेड है, वो तो कोई लड़का जीतेगा नहीं, वो बेचारे जो तीन गए वो इस वजह से वापस नहीं आना चाह रहे, एक एक करके बात करें और बर्दाश्त रखते हुए बात करें, आपको पता है कि बाहर इसने जो एक झूठ बोला उसकी वजह से मुझे कितने, अच्छा एक मिनट वेट, मैंने झूठ बोला आपको ये सबको बात पता है कि जो जो बातें हो रही है ये चेक होंगी, एग्जैक्टली चेक होगी और नहीं हुई बात तो दूसरा निकल जाएगा, तो आराम से बात करें, आप ये जो अभी कर रहे हैं हमाद ये आपके लिए ही प्रॉब्लम बनेगा, ये उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, आराम से बात करें, मैं तो नहीं उछल रहा, किसी ने फक भाई बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोला तो बैठा हूँ आराम से, और दूसरा ये कि होस्ट के ऊपर कभी किसी शो में इतनी चीज नहीं होगी, आपका भी टेंपरमेंट कभी कभी लूज होता है ना, तो आप भी बात करते हो ना, अब अपने ऊपर जब बात आती है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो गेट इट, बाहर क्या इसने मेरे लिए कितना गंद बनाया, क्या हुआ, मेरी फैमिली सब लोग मुझे मैसेजेस करके बोल रहे हैं कि तुम्हें और कोई नहीं मिला था, ये मिली थी वो बात करने के लिए, ऐसी कोई मुझे अगर कश्यप ऐसी ने बताया था? कोई बात हाँ। हो कश्यप को उसके अगर दोस्त ने बताया था, ऐसी कोई बात हो तो मैं खुद एक्सेप्ट करूंगा, मैं किसी के बाप का नहीं खाता, किसी का बाप मेरे घर पे राशन नहीं डालता, मैं एक्सेप्ट करूंगा, तुम्हारा भरोसा नहीं है, करना भी मत, पता नहीं गलत तूने जो बातें की है ना, अभी मैं तुझे मेरे मेरे बारे में सिर्फ बातें की है, नॉट टू इंटरप्ट, से हिम नॉट टू इंटरप्ट, सर लड़की के बारे में तो वो कैरेक्टर एसेसिनेट करे तो करे, वो कैरेक्टर एसेसिनेट करे वो करे, वो कैरेक्टर एसेसिनेट करे तो करे, हां वो कैरेक्टर एसेसिनेट करे तो करे, वो लड़की है, विमेन एम्पावरमेंट, मेन एम्पावरमेंट कोई नहीं, विमेन एम्पावरमेंट में तू भी आ जाता है, चल कोई, मैंने कहा तुम खुद ऐसी बातें करो तो मैं ना करूं, और मुझे कश्यप ने बताया, बिलाल आप दोनों बीच में नहीं इंटरप्ट करेंगे, हर एक को अपनी इज्जत संभालना आती है, इनको बात करने दें, आप में से कोई भी हीरो ना बने जब तक आपसे पूछा ना जाए, जी कश्यप वकार भाई ऑडिशन के बाद जब हमाद की सिलेक्शन हो गई थी ना, तो हमाद के किसी फ्रेंड ने जो है मुझे मैसेज करा था, तो जब हम लोग डाइनिंग पे बैठे हुए थे लॉन्च में, तो ये इनमें से कोई हमाद की बात कर रहा था, जिस पे मैंने बोला कि हाँ हमाद के फ्रेंड ने मुझे ऐसे बताया था, तो राबेल ने फिर हमाद की सारी पोल पट्टियां खोलना स्टार्ट कर दी कि उसने मुझे भी बताया, मैं तो बताना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन इसने ये बात कही कि हम मार ने इसको रात में को, और मैं आपको एक बात बताऊं, लोग जेलसी में भी बहुत कुछ करते हैं, उस वक्त ये बात चल रही थी, तो इसलिए मैंने हमाद की ये बात बोली थी, मुझे नहीं पता ये बात, जी राबेल मैं हमाद की काउंसलिंग कर रही थी और ये लोग हमाद को तंग कर रहे थे इस बारे में, तो हमाद ने मुझे बोला कि यार ये लोग तंग कर रहे हैं, हमाद मेरे पास आया, मैं हमाद और बलाज बैठे हुए थे, मैंने हमाद को बोला तुम प्रिटेंड ही ना करो, तो फिर मैंने इनको मना किया, तो इसने मुझे आगे से बोला कि ये बात थी, ये बात है ऐसा ही, ये काउंसलिंग कर रही थी आपकी, हाँ मैं इसको समझा रही हूं, एक मिनट एक एक करके राबेल खामोश, जब फर्स्ट डे हम लोग जो प्रीमियर वाला एपिसोड हुआ था हमें लास्ट कॉल करने के लिए, आपकी काउंसलिंग कर रहे थे, शी टोल्ड मी कि तुम जो है रिग्रेट, ये जो निशान वगैरह है, जब मैंने पहली मरतबा बात हुई थी तब इन्होंने कहा था कि जो तुमने कट्स लगाए हैं बेवकूफी है, और हाँ शी वॉज काउंसलिंग, मैंने इसको, शी वॉज नॉट प्रेजेंट, मैंने कोई ये नहीं थी, मैंने इसको कहा ये मेरी बहन है, जब प्रीमियर के बाद एक कॉल करने की परमिशन थी, आई कॉल्ड माई मदर एंड आई सेड यू थॉट रॉन्ग अबाउट दिस गर्ल, शी इज अ सिस्टर फिगर, और वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, जब उसने दानिया का स्टैंड लिया तब भी मैंने उसको कहा था कि यू डिड राइट, बट शायद आई एम डम दैट आई ट्रस्ट पीपल, दैट आई ट्रस्ट पीपल। जी क्या बोल रही है आप राबेल को? मैं ये बोलना चाहूंगी राबेल जितनी अच्छी मुंह पे बनती है ना उतनी अच्छी है, मुझे कॉल क्यों करी थी पहले, इन्होंने शो में आने गई थी तो कॉल क्यों करी थी, वीडियो कॉल क्यों करी थी, जाने के बाद मेरी बात सुन लो पहले, कोई बात दिल में ना रखना, तुमने मुझे ये बात बोली थी, मुझे कॉल की थी, तुमने मुझे मेरा नंबर दिया था, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है फोन में, मुझे किसने कॉल की थी, तुमने मुझे पहले मैसेज किया था, कॉल किसने की, मेरी रुबाइशा से बात की, रुबाइशा को मैंने बोला था, तुझे नहीं बोला था मैंने, निकल वो तो मैंने तेरा दे दिया, वो तो मैं बताऊंगी तुझे बेटा, शो तो खत्म होने दे, तू जितनी नंगी रही है सबको पता है, तू औकात में रहे, समझ आई, अपनी हालत देख, नहीं हुआ राबेल आप हो रही हो, ये समझती है क्या, ये नंगी है तो सबको नंगा करके, भाई मेरे बारे में तुम लोग बातें करो, मैं तुम लोगों के साथ ठीक रहा हूं, इधर उधर से मैं बातें सुन लूं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, टॉक अबाउट यू, तुम बस मुझे बातें की दुनिया तुम्हारे ठीक है, मुझे सब ने तुम्हारे बारे में बातें की है, तो कि तुम इसके साथ और इसके साथ अभिया के साथ तुम जितनी अच्छी चल रही थी ना, इन लोगों ने तुम्हारे बारे में पीछे जाने के बाद क्या बातें की है, अच्छा तुम तो आमिर को भी बोल ली थी,
क्या खुसरा पता नहीं क्या क्या तुम मैंने आमिर को कब बोला है? रूम में बैठ के बोल रही थी झूठी खाई की एक नंबर की ये बोल रही थी नहीं बोल रही थी मैंने आमिर को नहीं बोला मैंने बिलाल को बोला मेरी बिलाल से लड़ाई हुई मेरे मुंह पे बोला मैंने इसको मारा ऐसे ही जिसकी रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डिंग होगी ठीक है आमिर को मैंने नहीं बोला और आमिर से मेरी पहले लड़ाई बोला इन्होंने मुझे आमिर का नहीं याद लेकिन बिलाल का याद बिलाल को मैंने बोला था आमिर को हमारे बीच हो गया था बिलाल को और मैंने बिलाल से सॉरी भी की मैंने मारा था इन लोगों ने मुझे कश्यप से ज्यादा पंप करी थी कश्यप ने मुझे पंप किया था और मेरी बिलाल से लड़ाई होगी थी आमिर को मैंने नहीं बोला मैंने आमिर मैंने बिलाल से सॉरी की थी मैंने सॉरी की थी अच्छा एक एक करके रुबाइशा को बोलने दे बिलाल और उसकी लड़ाई हुई उसने उसको खुसरा बोला उसने उसके बोला कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को डिग्रेड करिए उसके बाद बिलाल कहता हुआ रूम से निकल गया उसके बाद राबेल इसके पीछे बात और मैंने आमिर को नहीं बोला था ना मैंने उसको हम दूध पिलाएंगे और वो रोना चुप हो जाएगी तू सब पहले सारी बातें किया कर सबकी कि वो तुम्हारे बारे में ये बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं और फिर बाद में चुप हो जाएगा मुझे पंप करा जी तू बच्ची है ना चल अपनी औकात में रह तू आई बड़ी ना आता नहीं यार बोली जा रही है पीछे बोलती है मोनोलॉग में क्यों बोलती है सामने बोलना हां बोलूंगी ना सामने भी बता क्यों रही थी जब मोनोलॉग में इतना कुछ बोल के आई थी अगर तूने नहीं बोला होती ना तो मोनोलॉग में इसकी हाँ, बात ना करती तू तो वो मेरी जो पीछे बातें कर रहे हैं वो नहीं मेरी जिस जिस बंदे मुझे इस पे और अभी आप इस वजह से गुस्सा है क्या मतलब बातें घूम के आती है किसी ने तेरी कोई बात नहीं बातें घूम के आई बस कर दो जिस दिन मैं निकल रही थी ना उसी दिन मैंने देख लिया था मुझे नहीं पता लेकिन मैंने तुम्हें नहीं की ना तुम एक नहीं हो सिर्फ यहाँ पर चल निकल तू निकल औकात में रह निकल निकल ना यहाँ पर तुमने नहीं रखना समझ आई चल निकल तेरा तो मैंने देख लिया ना तेरा भी मैंने देख लिया हाँ देख लिया लाल दिखा कहाँ दिखा और किसी के बारे में किसी ने कुछ बोलना है जो जिसको एलिमिनेट करेगा उसके चांस बढ़ जाएंगे अंदर आने के सोशल प्रेशर कौन बर्दाश्त कर सकता है ये हमें देखना है वरना फिर दो एक्सपर्ट जो खड़े हैं मैं इनको बोल दूंगा बोलने के लिए ये तो एलिमिनेट करने के माहिर हैं बिलाल और आमिर देखें बिलाल बहुत एक्सपर्ट है जब वो कैमरे के सामने बोलता है तो बड़े बड़े फिर गायब हो जाते हैं वो तो खेलता है सही तरह गेम तो अभी हम उनके पास नहीं आने दे रहे अभी आपके पास है किसी की कोई ऐसी बात यहाँ बता सकते हैं आप और पहले उसे वार्निंग दे दो कि मैं तुम्हारी बात बताने लगाऊं ताकि वो खुद शो छोड़ के चला जाए जी सिदरा किसकी बात बतानी है अभिया की बतानी है अभिया को आप पहले बता सकती हैं कि चली जाओ वरना मैं बता दूंगी नहीं इनकी चॉइस है जाए ना जाए मुझे जो लगता है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ एक तो इनका ये बड़ा मसला है कि मेरी तरफ देख के बात करें ओके बेबी आई टू आई यस ठीक है आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ यू राइट ओके आप बड़ी मासूम बनती हैं वन बाय वन सबके बारे में बातें करती हैं लोगों को आपस में लड़वाती हैं पहले दिन से आपका ये है कि मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है मुझे तो शो में आने की परमिशन भी नहीं मिल रही थी उसके बाद सडनली आपका जो ना सारा जो पर्सनालिटी है वो टोटली जो ना वो चेंज हो गई आप सब कुछ करती हैं आप ड्रेसिंग भी सबके जैसी करती हैं आप हर चीज में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेती हैं जब बात आती है लोगों पे पॉइंट आउट करने की सबसे पहले आपकी उंगली उठती है जो मुझे आपके बारे में पसंद नहीं है दैट्स इट थैंक यू वेलकम थैंक यू आई टू आई ओके जी और दूसरा ये कि मैंने अभिया का बहुत बहुत साथ दिया लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे खिलाफ इसने बातें की मैंने आपके खिलाफ कोई बात नहीं की एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी वेट मैं इसलिए तुम्हारे साथ थी खैर तुम मुझे पता है तुम्हारी सोसाइटी बहुत गलत चल रही थी इस वजह से ये तुमने बातें की मैंने तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की तुम मुझे ये बताओ तुम लोग सारे होस्ट के बारे में बातें कर रहे हो हम लोगों के माँ बाप मैंने तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की अंदर बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ क्या मैंने तुम्हारे बारे में ये बात नहीं की एक मिनट वेट कि वकार मुझसे मेरे फादर का नाम पूछ रहा था मुझसे मेरी कास्ट पूछ रहे हैं तो मुझसे इंटरेस्टेड है शादी करने में ये मैंने बोला है आपने किससे बोला है शादी भी कर रहा हूं किससे बोला है मुझे एक बात बोला है मैंने कि हमारे पेरेंट्स पे कितना गलत इम्पैक्ट पड़े मेरा ऐसा कुछ भी नहीं बोला ये बताएं मैं आपको एक साल से जानती हूँ मेरी आपसे मुलाकात है ठीक है मैंने कुछ नहीं बोला नाम चाप करते हैं की कसम मेरी मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला अच्छा एक मिनट पहले भी ठीक है अच्छा एक एक करके 10 साल से भाई 11 साल की तब से देख लूं मुझे अच्छा लगा अच्छा आप रिकॉर्ड चेक कर ले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला आप मेरे मैंने तुम बाकी सब ने तो मुझे गालियां दी ना जो भी किया तुमने तो मुझे यूज किया मैंने नहीं यूज किया राबेल मैंने कहां का नहीं किया और तुमने जाने के बाद मेरे बारे में बात मैंने बात नहीं की आपके बारे में राबेल मैंने आपको कल भी बोली थी और बात सुने जो हमारे पेरेंट्स देख रहे वो क्या बोलेंगे वकार जका जो है अंदर लड़कियों के साथ चक्कर चलाते बकोल हमाद किस कोई लड़की जीतेगी तो बोलेंगे कि भाई वो लड़की इसलिए जीती क्योंकि वो वकार जका के साथ उसका कोई सीन है
इन मोहतरमा के साथ अगर कोई लड़की जीती, अब क्या बंदा जीते? एक बंदी बोल रही थी वकार जका मुझसे ये सब कुछ पूछ रहा है, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मैंने नहीं बोला ऐसा कुछ भी। शरीफ बनते हैं ठीक है, इतने पर्दे में ठीक है, और ये हरकतें हो रही हैं। ऑडिशन वाली भी मुझे इनकी एक बात याद है, ये कह रही थी कि वो दिल दिल पाकिस्तान पे मुझे डांस करने को बोला था और फिर वकार ने कहा कि रिश्ते नहीं आएंगे, सोच लो एक बार। हाँ, तो ये बार बार क्या करने की, और जो घर के अंदर ही हरकतें करी तो उससे रिश्ते आ जाएंगे इनके। और अगर कोई किसी से पूछ रहा आप क्या करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसने रिश्ता भेजना। और एक और बात भी सुनी है मैंने कि बोला गया है कि अगर मैं अहले तशरीन होती तो मैं वकार से शादी कर लेती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये रिश्ता प्रोग्राम चल रहा है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या ये चैंपियन चल रहा है। और इनके कहने का ये मतलब बाहर निकलता है जैसे अगर हम लोग बहुत ज्यादा बोल्ड पर्सनालिटीज हैं तो मतलब हमारे रिश्ते तो वैसे ही नहीं होने। इनका ये पॉइंट ऑफ करती है, सारे इतने शरीफ बनते हैं, ये एक मोहतरमा इनको खाना नहीं बनाने आता, आलू उठा उठा के फेंक रही, हमारे घर में नहीं नौकर, और हमें मुझे बोल रही है यार मैं तो ऐसी फैमिली से हूँ, होल्ड होल्ड मैं तो ऐसी फैमिली से हूँ कि भाई मैं तो बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड हूं, प्लीज यू पर्सनली मेरा मुंह मत खुलवाओ, क्यों ना खुलवाओ पर्सनली, सही बात है, मुंह मत खुलवाओ मेरा, एवरीवन नोज एवरीवन ठीक है। ये आलू काट काट के हमने भी कभी घर में काम नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एक टास्क है, इसमें इतनी ईगो हर्ट होने वाली क्या बात है? मैं 10-10 दफा चाय बनाती थी, उस दिन मैंने आमिर के साथ झाड़ू दी, सारे काम करे, नहीं आता ये मुझे कोई, जाओ जाके आइस करो, मैं तो ऐसी फैमिली से नहीं हूँ, और इस तरह काट के आलू यूं फेंक रहे, इट्स कोक एंड बेबी, इट्स कोक, इट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट राइट, आइस 500 की मिलती है, कोक 18,000 की, यू आर गोना सपोर्ट हर, आई एम गोल्ड से महंगी है, गोल्ड से चॉइस, माय चॉइस, बेटा यूके रही हूं 3 साल, और हमारे पेरेंट्स, और जो भी हम करते हैं ना, ये अगर हम कैमरा पे बोले तो आवर पेरेंट्स नो दैट वेरी वेल, वी डू दिस एंड दिस एंड दैट, चाहिए इनकी तरह नहीं है, हमारा ओपन स्नैपचैट पे पूरी दुनिया देखती है, 16,000 फॉलोअर्स है, तुम्हारी तरह छुप छुप के नहीं, लोग क्या बोल रहे थे, क्या दिखा रही है, क्या नहीं कर रही, जाके कमेंट्स पढ़ना अपने बारे में, जो लोगों ने लिखे हैं आपको ही आपके पास तो बॉडी पार्ट से कुछ है ही नहीं, तो आपको हाँ 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 हाँ, लेकिन मैं दिखाती नहीं हूँ ना तुम्हारी तरह, लोग बोल रहे हैं ये दिखा दिखा के काम करने वाला कुछ है, बहुत कुछ है, बिल्कुल है ना तेरी तरह, विंडो आई कैन स्पेंड हर टू फॉर्म पहन के, नहीं फॉर्म पहन के 10 दफा तो मेकअप करती हूँ, अल्लाह माफ करे, मेकअप के बगैर देख लो, ये तो बात लोगों ने भी किए गए, मेकअप के बगैर इसको देख लो, तो भाई आप अपने आप को देखें प्लीज, ये प्लीज कैमरे में जरूर दिखाएगा, मेकअप कोक वाला पार्ट तो जरूर दिखाएगा, मेरे बाबा को बड़ी खुशी होगी कि वाइज भी करने लगे, 1000 की गलती है वजह आपको केन करती है, यू आर नो वन टू शेयर अबाउट माय फादर, अच्छी बात, मैं 3 साल यूके गुजार के आई हूँ, मैं तब से कर रही हूँ भाई, क्या हो गया? और दूसरी एक बात मुझे यहाँ समझ में नहीं आती, अजीब, ठीक है अच्छा एक मिनट रुकेंगे, ओके ठीक है, पाकिस्तानी लेकिन टिपिकल पाकिस्तानी, खुद सब कुछ कर रहे हो, औरों पे पॉइंट, खुद जो आमिर के साथ अंदर घुस के सिगरेटे पी रही थी, एक मिनट वेट, आमिर के साथ अंदर जाके सिगरेटे नहीं पी रही थी, आमिर को बोल रही थी चलो अंदर सिगरेट पीनी है, एक लड़के को अभी भाई बोल रही हो, कैसे तुम लोग कर लेते हो यार, मैं तो अगर किसी को भाई बोल दूं, मैंने आमिर को, आमिर ने मुझे बहन बोला, मैंने आमिर को क्यों भाई नहीं बोला, क्योंकि भाइयों के साथ ये काम नहीं हो सकते यार, आमिर के साथ नहीं हो सकते, और तेरे नाम तेरे बारे में लोगों ने बाहर लिखा, तेरे बारे में लिखा, यू आर फकिंग प्रोस्टिट्यूट, ओके बिच, लोगों के कमेंट्स जाके पढ़, यू शट अप कि मुझे सम दिखा रही है कि चीज लंडे का माल, लंडे का माल, और ये अपनी पेंट देखो यार, क्या अपने आप को देख बेटा, अपने आप को देखो यार, बेबी आई एम अ मॉडल, अगर मैं गेन कर लूंगी तो तेरा बाप कौन देगा, अपने हेयर डाई चेंज करो, डाई चेंज करो, क्यों मॉडल, अपने अपनी शक्ल देख, ये दांतों से तोड़ दूंगी, अपने दांत देखो, जाओ जाके बेच, इसको जरा बताएं कौन सी मॉडल बेटा, मुझसे भी कमजोर मॉडल है, गोल्डन थी, कौन से फ्रेंड्स किए तुमने, क्या किए, कौन से फ्रेंड्स किए, तुम्हारी सोच है बेटा, जाके देखो, इतने जानते हैं अच्छे तरीके से, आप बैठ जाएं, आपको बताने की जरूरत नहीं, अमेरिका तक शूट करके ठीक है, तुम्हारी तरह नहीं, जिम में क्या हुआ बिलाल, वीडियो बना ली, बिलाल आप क्यों सर, इनकी बात अजीब सी हो रही है, शो का फॉर्मेट कुछ और है, पता नहीं क्या पेंट पे देखे और पता नहीं क्या क्या, आप अगर इनकी जगह होते तो ये बातें करके निकालते, कभी नहीं, आपके पास सॉलिड बातें होती, हाँ सॉलिड बातें होती हैं, तो अभिया ये जो बात कह रहे हैं, मैंने आपके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बोला, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सबके बारे में मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने इसका साथ दिया, फैक्ट विद है इनोसेंस, तुम गलत कर रही हो, मैंने तुम्हारा बहुत साथ दिया, लेकिन तुमने मुझे, सबने मुझे पता क्या बोला कि तुम्हें उसने यूज किया, ये तुम्हारी भूल है, मुंह पे कुछ बोले मुझे समझ आती है, मैंने तुम्हारी लाबेली, तुम्हारी भूल है, मैंने कुछ नहीं किया, अच्छा ठीक है, तुम बहुत शरीफ लगती हो, लेकिन मैं बोल रही हूं तुम्हारी सोसाइटी गलत थी, ठीक है लाबेली, ठीक है एक मिनट, अच्छा आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्नैपचैट पे भी मुझे मैसेजेस किए हुए ना, वो खुद बताना शुरू कर दें क्या किए हुए, जी हम बात, आई बैक आउट, आई विल नॉट डिस्कस दैट, नहीं बैक आउट तो आप करेंगे, आई विल नॉट डिस्कस दैट,
आपकी मर्जी है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपने खुद अप्रोच किया था मुझे। बट आई विल नॉट डिस्कस दैट। मैंने वन बाय वन आई डिड। क्यों किया था? मैंने क्या किया जिसकी वजह से आपने मुझे अप्रोच किया? मैंने क्या किया था? मैं अपना पूछ रहा हूं, इनका तो नहीं पूछ रहा। मैंने क्या किया था कि मैं आपके टॉर्चरस मैसेजेस से क्यों गुजरूं? आपको क्या लगता है, आप लोग मैसेज करते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता होगा किसी का टॉर्चर सुनने से? ऐसा मैंने क्या किया था कि मुझे आपकी बातें सुननी थी? मुझे बस वो कंटेंट जो आ रहा था टीवी पे, मुझे उससे प्रॉब्लम था, जो एक्स वाई जेड कोई भी मेरे बारे में कुछ बोल रहा था। उसके साथ दूसरी बातें क्यों बताई मुझे? प्लीज डोंट डिस्कस। ओहो, तो यही तो कह रहा हूँ, प्लीज डोंट डिस्कस। क्या होता है, शुरू क्यों करते हो? तुम अपनी बात बोलते, दैट्स इट। तुम बाकी लोगों की बातें मुझे क्यों बता रहे हो? और इतनी सेंसिटिव बातें क्यों बता रहे थे? मैंने सवाल पूछा था कोई? मैं आपकी नेचर समझना चाहता हूं। आपने आते, इनमें से भी बहुत सारे कंटेस्टेंट जो कहते हैं मेरी ये वाली बात ना लगाना, आप मुझे कहते हैं मेरी ये वाली बात मत लगाएं, लेकिन आपने मुझे एक पूरी स्टोरी सुनाई। क्यों? वजह होनी चाहिए ना कोई इसकी। आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट। कोई वजह भी तो हो ना उसकी। मतलब ठीक है, मैं ऑफ द कैमरा बात कर लूंगा भले बंदे के सामने, बट मैं ये पूछ रहा हूँ, बात नहीं पूछ रहा कि तुम दूसरे की बात। मुझे अपने आप को क्लियर करना था। मैंने तो मांगा ही नहीं आपसे। हाँ, लेकिन मुझे ऐसे रिसीव हुआ था कि यू आर होल्डिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू, योर टीम इज होल्डिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू, तो इस वजह से मुझे लगा कि व्हाई दे आर होल्डिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट मी, व्हाई आर दे। हमने तो कुछ कहा ही नहीं है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, मैंने अपनी आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने के लिए दूसरे कंटेस्टेंट की चीजें क्यों बता रहे थे? जी, जो जो बातें अभी आखिर में किसकी, अभिया की बात हुई है, अभी आपने किसी को बोली ये बात? मैंने नहीं बोला आपके बारे में, कुछ नहीं बोला आपके बारे में, ये झूठ बोल रही है। आपको पता है आप लोगों की ऐसी बातें मेरे पास है जो आप लोगों ने की, जो मैं बोलना शुरू करूं सभी भाग जाए यहाँ से। जी रुबाइशक जी, किसके बारे में क्या बोलना है? इतनी बेताबी से आपके मैसेज आ रहे थे टीम के पास। मैंने राबेल के बारे में बोलना था, क्योंकि जब मैं यहाँ शो में थी तो हमारा सेकंड एपिसोड ऑन एयर हुआ था, उसमें मेरे जो फादर थे वो अपने ऑफिस में, उन्होंने सबको बिठाया कि यार ये मेरी बेटी है, वो देख रहे थे। उसमें राबेल ने मुझे बोला रखेल, शुगर डैडी, और मेरे अब्बू ने वहीं बंद किया। तो ये खुद है, ठीक है, मेरे अब्बू ने वहीं बंद कर दिया। एक बात, छोटी सी बात, आपके फादर ने आपको ऑडिशन नहीं देखा था? देखा है। तो फिर उन्होंने आपको रखेल तो नहीं बोला ना मुझे? तो किसी ने बात सुने, इसका मतलब क्या होता है? आप मुझे एक उसको जवाब दें। आप मुझे एक बात बताएं, शुगर डैडी कौन रखता है? अगर शुगर डैडी एक लड़की, जब आपको एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो मुझे आप पता है, मुझे नहीं पता होता तो मैं ऑडिशन में बैठ के नहीं होती। ऑडिशन में क्यों बोला मुझे शुगर डैडी चाहिए? मैंने शुगर डैडी, मैंने बोला मुझे पसंद है, मैंने बोला मुझे मुंडे पसंद है, शुगर डैडी चाहिए। आप लोग तुबा की तरह तो नहीं बोलती ना? और अगर मैं उसको मैं तुबा की तरह तो नहीं बोलती कि मुझे पता ही नहीं हवा चोटी, आप लोगों के पेरेंट्स मेरे ऊपर आ जाते, ये तो गलत बात है ना? मेरे आप खुद गलत बात कर रही है। आपके पेरेंट्स ने आपको ऑडिशन नहीं देखा? देखा है। तो फिर वो किस्सा, लेकिन ये तो नहीं बोला ना मैंने बैठ के कि मैं रखेल बनूंगी। उनको ये नहीं पता शुगर डैडी, आपने बोला मुझे शुगर डैडी चाहिए। मैंने शुगर डैडी बोला ही नहीं, आपने बोला। मैंने बोला मुझे मैच्योर लोग पसंद है। एक बंदा शादीशुदा है, तुम्हें पसंद है तो व्हाट डज इट। मैंने क्या बात बोली थी? वकार सका, आपने भी, मैंने बोला था कि मुझे उनसे मिलने का है, पहले आप लोगों की चीजें नहीं पता तो फिर। जी हमाद अभिया ने बोला था वकार सका जो है वो लड़कियों को घेरता है, सिंगल है, शादी नहीं हुई भी, और इसलिए इसने बोला है। ये मैंने बोला है? हाँ, ये मैंने बोला, मुझे भी बताया। ये झूठ बोल रहे हैं ये सारी बात। मैं कह रहा हूँ ये आपने, आपने नहीं बोली ये बात। मैंने ये बातें नहीं बोली, आपको हमाद ने बोली है। क्या ये जो मैं बोल रहा हूँ? जी ये बातें इन्होंने मुझे बोली थी, मेरा नाम लेके आपको बोले, मैंने इनके बारे में नहीं बोला आपके बारे में। आई रिस्पेक्टेड यू ऑन द कैमरा, आई कुड से। तुम उस दिन जब मैं बात कर रहा था, मेरे माइक का सेल खत्म हुआ था उस पीरियड में, मैंने तुम्हें कहा मारिया मुझे वो बात बोलनी, तुमने क्या बोला था? तुमने कहा मत बोलो वो लड़की है, बोल दो। जी इसी तरह यहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, हम लोग स्कूल लाइफ से ये बात सीखते हैं कि अगर आपको एक कॉन्वर्जेशन समझ में नहीं आ रही तो आप उसमें शरीक ना होना। अगर आप उसमें बैठे हुए हो तो कल को डेफिनेटली आप भी उसमें इन्वॉल्व थे। अगर हमाद ने भी इनकेस कही और इन्होंने सुनी भी है तो ये वहाँ मौजूद तो थी, ये डिफेंड कर सकती थी। ये वैन में हुई थी ये सारी बातें। अच्छा ये मैं क्लियर कर दूं, ये तो मैं आमिर से भी पूछता हूं कि आमिर तुम्हारी जमीनें कहाँ है, तुम क्या करते हो? बिलाल से भी आपके बारे में नहीं बोला ऐसा कुछ भी। एक मिनट ना, मैं क्लियर कर रहा हूं अपनी बात। बिलाल जो है उससे भी पूछता हूं तुम्हारी अम्मी क्या करती है, अब्बू क्या करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये इसका मतलब रिश्ता नहीं होता? ये इन्होंने मुझे बोला था, मैंने नहीं बोला आपके बारे में। हमाद ने आपको बोला? जी हमाद का रिश्ता लेंगे नहीं, अभी हम हैं यार। बताएं एक मिनट कैसे, मुझे नहीं पता।
अभी ये हमाद ने आपको बोला कि वकार जका मेरे से मेरी कास्ट वास्ट पूछ रहा था, तो रिश्ता करना चाहता है? मैं इस बारे में बात नहीं करना। उस दिन तुमने बैठ के हमाद की इज्जत पूरी हवा में उछाल दी है, वो आपको क्या लगता है आएगा नहीं टीवी पे? किसने बोला था बोलने के लिए? मुझे कुछ भी नहीं कहना। आप कह रही है हमाद ने आपको ये वाली बातें बोली है, यार खुद सोचो क्या बोल रही हो। हमाद आपको ये बोलेगा कि वकार जका आप में इंटरेस्टेड है, बोल सकता है क्या? इसका कनेक्शन कैसे बनेगा? बाद में आप ही लोग टीवी पे देख के बोलेंगे उस वक्त नहीं बोला हमने, इसका मतलब ये था। सारी जिंदगी लगाओगे ना, क्लियर नहीं होंगी बातें अगर आज क्लियर नहीं की आपने। नहीं तो यही कहूंगी यहाँ पे राबेल तूबा सिद्रा जी मारिया एक एक करके। इन तीनों को मुझसे मसला है, बिला वजह मुझे नहीं पता, मुझे तो समझ भी नहीं आ रही, जबकि मेरे इनसे कोई ना दुश्मनी ना कुछ, पर फिर भी इनको मुझसे मसला है बिला वजह। हाँ मुझे इरिटेट करेंगे तो जाहिर सी बात है मैं जवाब दूंगी। और अगर अभिया ये बोल रही है कि मैं और ये मिले हुए, तो शेम ऑन यू, सबने मुझे यहाँ बोला कि तुमने इसका कितना साथ दिया, और तुम्हारे जाने के बाद फौरन वो इतने बुरे से पलट गई। मैंने तुम्हारा कहाँ साथ नहीं दिया, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहनों की तरह ट्रीट किया। लोग तुम्हें बोलते थे जवाब मैं दे के आती, तुम्हारे पीछे मैं लड़ने जाती थी, तब तुम्हें याद नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ मिली हुई किसके साथ मिली? आज अगर मैंने तुम्हारे बारे में बात कर दी वो भी इसलिए क्योंकि मेरे जाने के बाद तुमने स्टैंड नहीं लिया, उस अगली बंदी ने स्टैंड लिया, आमिर ने स्टैंड लिया, तुम्हारा मैंने कितना साथ दिया, तुम अपना मुंह बंद करके बैठी हुई थी उस टाइम। और अगर तुम्हारे बारे में मैंने बात कर दी तो मुझे बातें पता लगी है मैं करूंगी, तुमने नहीं ये बातें औरों के बारे में, तुम जो पीछे बातें करती रही है वो नहीं पता तुम्हें? तुम्हें छोटी बहन, तुमने उस दिन मुझसे एक चीज मांगी मैंने तुम्हें नहीं दी। मैंने क्या बोला? मैंने कहा तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ भी लगा सकती, मैं ये बातें भी यहाँ पर कर सकती, लेकिन अगर मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ तो अपना मुंह बंद रखो। शो से जिसने जाना है बताए, शो इंटेंस होता जाएगा अब। जी राबेल आपने जाना है? नहीं। सिद्रा? नो। तूबा? अब तो बिल्कुल। दानिया? मारिया? नहीं। कशफ? रुबाइशा? अभिया जाना है आपने? अभिया? नहीं। जी हमाद? नहीं। अभी तो सब बीच में कह रहे थे नहीं जाना। बिलाल और आमिर ये वापस आने लगे हैं, राबेल आ जाए पहले बात। आमिर तुम्हें तो मैं बताऊंगी। कैसे बताऊंगी? इसने मोनोलॉग में क्या बोला कि मैं चाह रहा था कि बस मुझे रुबाइशा ना टकराए क्योंकि रुबाइशा मुझे बहुत बुरी लगती है। यार एक फन भी होता है यार। हर सेकंड डे सबने बोला हम हाफ फ्राइड एग खाएंगे, तुमने कहा मैं ऑमलेट खाऊंगा। यार ठीक है, मारिया तुम्हें बना के देती है यार, फन होता है। वर्ड कुछ मैं सबको खाने वाली नहीं, आमिर से मेरी बन रही है, सब बोल रहे ये देखो तुम्हारे बारे में क्या यार फन में बोला। तुमने आमिर को गाली नहीं दी थी तब? वो भी ऑन रिकॉर्ड होगी याद है। अब अगर बात कर रही हो तो फिर पूरी बात, तुम किसी के माँ बाप को गाली दो एक्सेप्टेड ठीक है, और अगला बंदा तुम्हारे बारे में कुछ ना बोले। किसको गाली दी थी? इसने आमिर को दी, क्योंकि गालियों में तो फिर मैं ही हाईलाइट हो जाती हूँ ना खुद, जो आप पीछे माँ बाप की ज्यादा हाईलाइट हो। हाँ इसी चीज में ही हाईलाइट हो सकती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पीएचडी की भी है सब जानते हैं। हाँ हाँ वो तो पता लग गया, फिर बाप क्यों मेरे ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है, मैंने बेटी की हरकतें बता दो। जी बिलाल इनमें से किसको नहीं होना चाहिए शो में, दो नाम बताएं। अम्माद और अभिया को नहीं होना चाहिए। वजह? सर क्योंकि उनके सर ये जो बात हुई मोनोलॉग की ये इनकी वजह से हुई, और अभी आपने आपको जो ना वो अभी तक वही क्वेश्चन मार्क में रखा हुआ है, अभी तक इन लोगों ने क्लियर नहीं किया। इन्होंने वो बातें की हुई है जो यहाँ हो रही है। जी आमिर किसको नहीं होना चाहिए, दो नाम। सर मारिया और अभिया को। वजह? सर एक बोलते हैं लोग इज्जत देने के काबिल नहीं होते, उनको इज्जत नहीं देनी चाहिए, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर इज्जत के कोई काबिल ना हो तो उनको इज्जत मत दो, क्योंकि एक मिनट मुझसे पूछा गया है, मुझसे पूछा गया तो मत बोलो ना बीच में मत बोलो ना सर। इज्जत के काबिल ना हो, उन्हें इज्जत देनी चाहिए तो अपनी इज्जत गिर जाती है उनकी नजरों में, ये सही मिसाल है। तुम इज्जत के काबिल हो, लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हो सबको बोले बोले, मुझे लोगों से फर्क ही नहीं पड़ता, पूरा पाकिस्तान बोले। मारिया पसंद है, मैं तुम्हें मुंह तक नहीं मारता। अबे चल मारिया पसंद है, वो मैं शो के लिए बेटा कर रहा था, तेरी जैसी बहुत लड़कियां देखी मैंने, बहुत लड़कियां देखी तभी पीछे पड़े। खुश मत हो ज्यादा खुश मत हो, मुंह तक नहीं मारता। अबे चल तेरी जैसी लड़कियों को मैं बहन बोला है, मैंने बहन बोला है। अबे चल तेरे जैसी लड़कियों को मैं मुंह लगाता हूं, तमीज से रहो जाहिल गवार। अब क्या बोलूं यहां पे, इसके जैसी ज्यादा अच्छी लड़कियां मिल जाती है। पर मिली क्यों नहीं? प्रोस्टिट्यूट। क्या दानिया से पीछे?
सुजान बोलेगी उनके शो में, इतनी अच्छी है तू, दो इंग्लिश के वर्ड क्या बोल रही है तू, अपने आप को मालूम समझ नहीं है अभी चल ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी में नहीं बैठा पागल, दो लफ्ज इंग्लिश के सीख ले जाहिल जाहिल छोड़ आमिर, कोई किसी की मां नहीं बोल सकता, पीछे हट जाओ, कोई किसी को भी ऋषि सिंह के उसकी मां कोई किसी को भी नहीं बोल सकता, बताओ ये डाउट है मैन शी इज डूइंग दैट मधुमन शी से चल पहले बोला था शाहिल तब नहीं नजर आ रहा, अरे चल जाहिल तो इंग्लिश के वर्ड सीख के कोई जाहिल नहीं होता, चल चल निकल अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, छोड़ दो इसको, ज्यादा तकलीफ हो रही है हमारे, आमिर आप अभी जो कर रहे हैं गंदी नस्ल, अबे ये गलत बात, देखो अभी मारिया मैं उससे बात ये फिर तुम मैं बोल दूंगा ऐसे सर, बहुत बुरा बोलूंगा ऐसे, बोलो बोलो बकवास करो, तुम्हारी अबे चल तुम्हारी दिख रही है, तुम्हारा बैकग्राउंड दिख रहा है जिस तरह से बात आप लोग जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का भी तरीका होता है, अल्फाज का चुनाव इतना बुरा कर रहे हैं आप लोग, इतना बुरा कर रहे हैं और इतने बुरे आएंगे आप लोग कि सब हैरान हो जाएंगे कि ये लोग अंदर से कैसे हैं, एक नहीं सब, आप लोग अल्फाज का चुनाव इतना बुरा क्यों कर रहे हैं मेरी समझ नहीं आ रही है बात, अपने तक रखे तोड़ दूंगा इसका, मेरे बहन के बारे में बोला इसका सर, मैं मुंह तोड़ दूंगा, नहीं रिलैक्स आमिर, रिलैक्स आमिर, देखो बात सुनो आमिर, आमिर 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 रिलैक्स हो जाओ, आप गलत बात कर रहे हो, आपने पहले एक बात बोली है ना उसको आमिर रिलैक्स, स्टार्ट इसने की, ये देखो बीच में क्यों बोली, जब मैं बोल रहा अपना रीजन दे रहा था ना, मैं अच्छी नहीं है, मैं नहीं बात करता, ठीक है ठीक है, इज्जत के काबिल नहीं उठर, ठीक है एक मिनट मारिया, ऐसे लोग होते हैं जिनको मुंह नहीं मारो तो लेबल लगा लेते, अबे चल तेरे को मुंह लगा रहा हूं, शो के लिए कर रहा था, अबे शो के लिए कर रहा था, मैं बोल रहा हूँ अभी भी, चेक कर लेना जाए घर में देख लेना, रिकॉर्डिंग शो के लिए किया है मैंने, बोला भी है चल, हाँ यूज कर रहा था तुझे, चल यूज कर रहा था बोला है मैंने, क्या यूज करोगे, अबे चल अबे मैं कंटेंट के लिए कर रहा था, चल बोल रहा हूँ सीधा बोल रहा हूँ, मुंह पे तेरे बोल रहा हूँ, तेरे को मुंह लगाऊंगा, तुम जैसे कहो, अबे चल तुम जैसे हो क्या जी रुबाइशा, मुझे ना एक क्वेश्चन हमेशा से है, जैसे फिजिकल वायलेंस मना है लेकिन अगर कोई हमें बीट करे हम आगे से डिफेंड नहीं करें, ये तो आगे जाके बहुत बुरा जाएगा, कोई हमें अगर मार रहा है तो हम तो आगे नहीं, मैंने तो नहीं कहा क्या, देखे बात सुने, हाँ हाँ करके दिखा, हम सब खड़े हैं ये करे कि भाई डर गया मैं, डर गया और कांप रहा हूँ मैं छोड़ छोड़ काबिल नहीं हूँ, तुम भी नहीं यार, मैंने बोल दिया सैंडल मार रही हो वो का है, छुरियां पड़ी थी मजा आया था, आज चलेगी भी, हमारे बारे में किसने लिखा था, मेरे बारे में शीशे पे किसने लिखा था वॉशरूम में, मुझे ये भी पूछना था, और क्या लिखा था, क्या लिखा था शीशे पे वॉशरूम में, किसी ने लिखा मेरे बारे में क्या, के फ्लश जैसी है कमोड, क्या मासी थी, रुबाइशा के बारे में नहीं लिखा था मैंने, कशफ के बारे में लिखा था, कशफ के बारे में क्या लिखा था आपने, मैंने लिखा था कशफ है, कशफ में कशफ मोटी है, कशफ जो है आगरा गावा है, कशफ ये कमोट वाले, अरे ये बात मैंने लिखी थी मेरी मर्जी, जैसे तुम बोल के गई थी वैसे मैंने लिख दिया, तुमने मारिया को नहीं बोला था कि अभी ऐसे बच के रहना, मैंने मारिया तुम्हें ये बोला था कि अभी यहाँ से बच के रहना, मैं इस बात को क्लियर करना चाहूंगी कि जब मैंने तुम्हें, ठीक है, अजान के बाद जब हमें कहा कि आप घर में चले जाएं उसके बाद पता चलेगा कौन एलिमिनेट हुआ है कौन नहीं, तो मैंने सोचा कि अब मैं जाके इन सबको बताती हूँ जिन जिन ने मेरे बारे में बोला था, हेलो आमिर, आमिर हाँ कैसी है, आ जा खलनायक लग रही है, खलनायक लग रही है, इस मोटे से पूछ मेरे कितना तुझे मिस किया, तुम अपने जाके देखना तुम्हें मैसेजेस भी आएंगे, मैं तुम्हें इतने मैसेजेस ऐसे पूछ, हर वक्त मैं तेरी बात करता यार, मारिया को बोला था, मारिया को बोला था इसको नहीं निकाल लो, उस टाइम स्टैंड नहीं लिया मैंने, स्टैंड लिया मैंने मारिया, तुम लोगों ने नमक हलाल किया है, मैं तुम्हें और नमक खिलाऊंगी, किसने तो किया है, मैं और नमक खिलाऊंगी, आज जब आमिर ने बोला मारिया मैं तो बोला मैं यूं से जरा को ये तो बेटा अकेले रह क्या कल आई है ना उसको,
अबे मैं समझ गया, जब हम नहीं थे ना वो थे तो उसको पता लग गया था कि कौन क्या है। तुमको मैंने अच्छा ये तो उस दिन था जिस दिन मैंने कहा कि मैं बाहर बैठी हुई हूं, अभी यह बेचारी अकेले खाना बना रही है, इसको बोल रही मैं सो रही हूं उठा देना मुझे खाना बन जाता, मैंने कहा ये लो और लो और करो। अबे इस मोटे को समझा समझा के थक गया हूं मैं उसकी साइड पर, नहीं अब मैं सीख गया हूँ ना, अब खिलाऊंगा तुम्हें। बात सुन, अब ये बकवास करेगी ना इसके मुंह पे, बोलना उस दिन जब मैं तोड़ दूंगा बोलना, उस दिन जब मैंने पूछा था अरे आज माना ना, आज माना ना रुबाइशा ने कि हमें दे दी, तो मैं बैठे हुए थे ना उस दिन, तू बोली थी ना आर यू वर्जिन, तो बोलो तब क्यों जवाब दिया था यस आई एम वर्जिन, वो तरह का पना नहीं था। हम तीनों यहां लेट के कितनी खुली खुली बातें करते थे यार, ये हमने तो झूठ नहीं बोला। ये मोटा उस दिन मुझे बोल रहा था तेरी बातें ये वाली बोलूं, मैंने कहा मोटे ये नहीं बोल, नहीं नहीं ये नहीं लाल भाई ये नहीं, हम भी इधर आ, तेरे को मैं बताऊं, हां इधर इधर आ, तू इधर आ, ये तो भाई उस साइड पे उधर तू भाई उधर, मैं उन्होंने मुझे निकाला ना नारा, उन्होंने कहा इनके साथ तुम्हें बीच का बनना है तो बन जाओ, थोड़ी सी वी 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 आई एम ऑलवेज आई वाज, मैं तुम्हें देख रही थी कि तुम कोई सीक्रेट तो नहीं स्पिट आउट कर, पागल हो गई ये तू, मैं इसकी शक्ल देख रही हूं सिर्फ, पागल हो गई। हम तीनों ने क्या बोला था, हम तीनों के जितना पता है यहाँ पे अगर सीक्रेट्स मैं रुबैशा या कशव बोलना स्टार्ट करते ना अपने एक दूसरे के, तो हम तीनों शो से निकलते हैं और से निकल जाएंगे। उस दिन मेरी फैमिली पे गई, आज की फैमिली पे गई, ये की बात सुनो मैम, यार रुबैशा ने भी ये बात की थी, मुझे बाहर जाके मैसेज कर रही प्लीज कुछ ना करना, मुझे कॉल करके पूरे पूरे करी, उसके बाद रुको तुम, इसको बताओ ब्रांड तक आज वैसे छोड़ूंगी नहीं, तुम पागल हो गई हो, मैं मर जाऊंगी ना मुझे तब भी अब फर्क नहीं पड़ता, तुम पागल हो गई हो, मुझे कसम से फर्क नहीं पड़ता, तुम पागल हो गई हो यार प्लीज, अच्छा रुको मैं सीधा करती हूँ, तुम पा आने दे आने दे, छुरी नहीं वकार ने मना किया, छुरी नहीं छुरी नहीं मना किया, वकार ने मना किया, छुरी नहीं छुरी नहीं छुरी नहीं, वकार ने मना, वकार ने मना किया, छुरी वकार वकार मारिया है, छुरी लेनी है, नहीं लगेगी, छुरी नहीं लगेगी, छोड़ दो, चीखो नहीं छोड़ दो, तुमने तो 20 इयर्स की सेक्स किया था, अबे, पता है। अबे मैंने बोला क्या पहले वो सुन ले, छोड़ो क्या बोला है तुमने, मैंने बोला तुम्हारे पहले बात सुना करो, क्या बोली है मैंने, क्या बकवास किया, मैंने तुम्हें नहीं बोला, मैंने बोला तुमसे ज्यादा खूबसूरत मैंने देखी है, मैंने तुम्हें नहीं बोला, कैमरा में चेक कर लो, मैंने तुम्हें नहीं बोला, तुम गलत बोल रही थी, रिएक्ट बाद में किया करो, तुम्हारी माँ को स्ट्रेट अवे बोला, मेरी माँ को तुमने क्यों बोला, मेरी बहन को बोला तुमने, मुझे भी समझ नहीं आई ना, मैंने जब तुम्हें बोला ही नहीं, तुमने मेरी माँ बहन को क्यों बोला, तुम बोलो सॉरी, तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें गलत बोला ही नहीं, हाँ तुम मारो, अब मैं तुझे क्या लग रहा, मैं डरता हूँ तुझसे ज्यादा, दुश्मनियाँ पाल रखी है मैंने, अबे तुझसे ज्यादा पाल रखी है दुश्मनियाँ मैंने, चारों को भी लगे ना मुझे चारों का हटा के टाइम देख के चारों का हटा के, तुमको क्या लग रहा है हम अभी भी अंधे हैं, बाहर से ओके आए देख के, अबे ये तो है हाँ And go. Rabel, don't leave the rope. Rabel, good. रस्सा नहीं छोड़, Rabel जहाँ से पकड़ा है। जो रस्सा छोड़ेगा वो हार जाएगा। Rabel रस्सा नहीं छोड़ना। जा 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 जा